नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्य सरकार द्वारा जारी फ्लैगशिप योजनाओं का सभी अधिकारी लक्ष्य बनाकर कार्य पूरा करें, जिससे कि पात्रता रखने वाले आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये बात भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते ने सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कही। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रशासन गाँव के संघ व प्रशासन शहरों के संघ अभियान की संपूर्ण तैयारी करने व सभी अधिकारियों को शत प्रतिशत उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करने, इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दों का समन्वय बनाकर निस्तारण करने तथा 181 वे संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। साथ ही जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश दिए। नकाते ने विद्युत विभाग व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बिजली व पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति प्रदान करने व UIT व नगर परिषद के अधिकारियों को मिशन मोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, जिला परिषद CEO रामचंद्र बैरवा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आगुचा स्थित प्लांट में कार्यरत एक कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। शव को MG अस्पताल स्थित मोर्ची लाया गया, जहां मृतक पक्ष के लोग मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के आगुचा प्लांट में भूमिगत खदान में सोनू कुमार तेली बीती रात नाइट शिफ्ट में कार्यरत था, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। उधर मृतक पक्ष के लोग MG मोर्चरी पहुंचे, जहां मृतक आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, तब तक वे न तो शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही शव लेंगे। प्रथम दृष्टया यह लोग सोनू की मौत भूमिगत खदान में दम घुटने से होना बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। आगुचा माइंस के अंदर जो कर्मचारी मजदूर कार्य कर रहे थे, सोनू जी तेली, जो डेड पॉइंट के ऊपर उनकी ड्यूटी लगा रही, 5 दिन से वो कर्मचारियों को बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और यहाँ पे कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद उनको 5 दिन से वहाँ पे रेगुलर ड्यूटी दी जा रही थी, तो उनकी आज रात को वहाँ पे हत्या हो गई, जो कि कार्य करते समय करंट लगने से ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे हत्या हुई। जहाँ पे कोई आम नागरिक नहीं पहुँच सकता, उस जगह मजदूर लोग काम करते हैं और कर्मचारी वहाँ के, उनको रात को 4 बजे से लेके यहाँ पे बैठे हुए, पर परिवार की और किसी की वो नहीं सुन रहे। इसलिए तेली समाज और राष्ट्रीय मजदूर परिषद यहाँ पे धरना दे रही है। जब तक उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता 1 करोड़ रुपया और परिवार से नौकरी नहीं दी जाती है, जब तक राष्ट्रीय मजदूर परिषद और तेली समाज यहाँ पे धरने पे बैठी रहेगी और उनको मुआवजा नहीं देने तक पोस्टमार्टम भी नहीं उन्हें दिया जाएगा। उनके परिवार को कितने घंटे से बॉडी यहाँ पड़ी है? सुबह 4 बजे से यहाँ पड़ी हुई है और वहाँ के कर्मचारी वहाँ को रिपोर्ट सही नहीं कर पा रहे हैं। और आगुचा माइंस इस प्रकार की आए दिन घटना होती है, इसके ऊपर हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि मजदूरों को वो न्याय दिलाए और मजदूरों की सुरक्षा के सुरक्षा बंदोबस्त करें वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं है प्लांट के अंदर और बहुत गहराई तक वो खान जा चुकी है, जहाँ पे अधिकारी लोग भी नहीं जा पाते। और खनिज विभाग से भी हम मांग करते हैं कि वो अंदर के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान कराएं और इनको मुआवजा दिलाएं, जब जाके धरना खत्म होगा। बाकी धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म नहीं होगा, आगे और उग्र होगा। आज दिनांक 13/9/2021 को इतला मिली कि आगुचा माइंस में एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसकी बॉडी चीरगर महात्मा गांधी अस्पताल में रखी हुई है। उपरोक्त सूचना पर मैंने SI गुलाबपुरा भीलवाड़ा पहुंचा, जहां चीरगर में मृतक की बॉडी का निरीक्षण किया तो मृतक के शरीर के कमर के ऊपरी हिस्सों पर चोटें आना पाई गई है, जिससे मौत का कारण प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटली होना पाया प्रतीत होता है। आगे PMR होने पे ही मौत का खुलासा हो सकता है। मदनलाल SI। आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष एवं घर घर औषधि योजना का औषधीय पौधे वितरण का संयुक्त कार्यक्रम सोमवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC परिसर में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते की मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ।
एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि एनसीसी में भाग लेकर छात्र छात्राएं राष्ट्र निर्माण एवं देश के प्रति सेवा करने की प्रेरणा तथा एकता व अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण परिवेश से निकले छात्र छात्राएं भी किसी रूप में पीछे नहीं है। एनसीसी द्वारा आपको स्वयं की प्रतिभा को निखारने का प्लेटफॉर्म मिलता है, साथ ही एनसीसी व्यक्तित्व निर्माण व टीम वर्क के रूप में कार्य करना सिखाती है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा एनसीसी कैडेट्स को औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया एवं उनके द्वारा औषधीय पौधे का पौधारोपण भी किया गया। नकाते ने कहा कि जिला प्रशासन एनसीसी कैडेट्स के हित में हर संभव मदद को तैयार है। गांधी जिला दर्शन समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने इस कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि एनसीसी सेना में जाने के मुख्य द्वार का प्रथम चरण है। उपवन संरक्षक डीपी जागावत ने सभी एनसीसी कैडेट्स को औषधीय पौधे गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा एवं कालमेघ के महत्व उपयोगिता की जानकारी दी। इस अवसर पर कोर कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम में पधारने पर जिला कलेक्टर व सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। भगवान देवनारायण के अवतरण दिवस भादवी छठ के अवसर पर जिले भर में देवालयों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मंदिरों में रात्रि जागरण, पूजा अर्चना, हवन यज्ञ सहित शोभा यात्रा निकालकर देवनारायण जन्मोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है और निशान ध्वज की शोभा यात्रा निकालकर मंदिरों पर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जा रही है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान देवनारायण के दर्शन कर मंगल कामना कर रहे हैं। मंगरोब के समीप पीपली गांव में भी प्राचीन नमूना श्याम देवनारायण मंदिर में भी भादवी छठ के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान नमूना श्याम देवनारायण मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई। बाल ब्रह्मचारी अनंत भूषण त्र्यंबकेश्वर चेतन ने महाराज ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह 100 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ हो रहा है। संत श्री सोमवार को हरिशिवा उदासीन सनातन मंदिर में 100 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ में आहुतियां देने से आहुति देने वाले के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण व समृद्धि होती है। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में संतों महंतों के मंत्र उच्चारण के बीच अग्नि मंथन से अग्निदेव का प्राकट्य होकर 100 कुंडी यज्ञ प्रारंभ हुआ। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन एवं बाल ब्रह्मचारी त्र्यंबकेश्वर महाराज के सानिध्य में काशी वृंदावन भद्रास सरदार शहर मोठ के 150 विद्वान पंडितों वे बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में आहुतियां प्रदान की गई। यज्ञ से पूर्व प्रातःकाल यजमान का प्रायश्चित अनुष्ठान पूजन, तत्पश्चात आचार्य दिवाकर के द्वारा पंचांग पूजन किया गया। इससे पूर्व हरिशिवा मंदिर से महिलाओं द्वारा पीले वस्त्र पहने कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को यज्ञशाला की परिक्रमा करवाई गई। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में डंडी स्वामी, प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज का सानिध्य मिला। साथ ही स्थानीय संत मायाराम, महंत गोपालदास शास्त्री, महंत संतराम हाथीबाटा आश्रम, महंत बाबूगिरी, महंत मोहन शरण शास्त्री, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, महंत आदित्य महाराज, महंत बलराम दास रपटके बालाजी, महंत जयराम दास पुजारी, हरिगोविंद महंत, रामदास रामायणी, संत रामदास समोड़ी, संत नारायण दास भी अतिथि के रूप में पहुंचे।
जैन एकता के सूत्रधार आचार्य महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व की आराधना बड़े ही हर्षोल्लास आध्यात्मिकता के साथ संपन्न हुई। पूज्य प्रवर की अमृत धारा में जन जन के हृदय में मैत्री भावों का संचार हुआ। जैन आगम ठाण आधारित प्रवचन माला प्रारंभ हुई, जिसमें उद्बोधन देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि प्राणी का दृष्टिकोण कैसा है, मान्यता कैसी है। मानना और जानना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। मानना अर्थात दूसरों के आधार पर श्रद्धा करना और जानना अर्थात स्वयं समझना होता है। यथार्थ के प्रति विपरीत मान्यता मिथ्यात्व हो जाती है। जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के 10 प्रकार होते हैं। आचार्य प्रवर ने आगे फरमाया कि देव गुरु और धर्म के संदर्भ में धर्म की दृष्टि से देव को अदेव की संज्ञा देना, गुरु को अगुरु समझना, धर्म को अधर्म मान लेना भी होता है। अध्यात्म धर्म और व्यवहार के संदर्भ में यथार्थ का बोध करना चाहिए। यथार्थ का दृष्टिकोण ही सम्यक तव है। ये बहुत बड़ा रत्न है, इसको धारण किए बिना शुद्ध रूप से आचरण नहीं किया जा सकता। पूज्य प्रवर ने प्रवचन के बीच संत समुदाय को तात्विक ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। कार्यक्रम में उपासक निर्मल नौलखा ने अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य प्रवर के सानिध्य में पारसमल बोथरा ने 56 के तप में 61, बिंदु चौरड़िया ने 11, विधि नेनावटी ने 11, श्यामा बोर्दिया ने 8, प्रियांशु राका ने 9 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। स्किल इंडिया स्टेट कंपटीशन भिलवाड़ा में डाड़ीवाला स्पा सैलून एंड इंस्टीट्यूट पर संपन्न हुआ। राजेश डाड़ीवाला ने बताया कि कंपटीशन हेयर ड्रेसिंग व ब्यूटी थेरेपी 2 सेक्टर में हुआ। हेयर ड्रेसिंग में चार्मी सैन उदयपुर फर्स्ट व सुभाष सैन ने सेकंड स्थान प्राप्त किया। वहीं ब्यूटी थेरेपी में प्रिया जोशी ने फर्स्ट व कोमल पारिक सेकंड रही। स्टेट लेवल के इस कॉम्पिटिशन में जूरी मेंबर के रूप में उदयपुर से अशोक पालीवाल आए, जो ऑल इंडिया हेयर और ब्यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजेश चाड़ीवाला नेशनल जूरी व चित्तौड़ से बनवारी तवर जो कि आहिबा के जूरी हैं। ब्यूटी में विजय लक्ष्मी सैन स्किन थेरेपिस्ट, कीटू सैन नेशनल हेयर डो आर्टिस्ट, इसके साथ ही शीतल सोनी नेशनल जूरी के रूप में रही। ये कंपटीशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, जिसे NCDC ने ऑर्गेनाइज कराया। प्रतियोगिता के सभी विनर्स अब रीजनल लेवल पर जाएंगे। ये सभी विनर्स 20 साल से नीचे हैं। डाड़ीवाला स्पा सैलून से 3 विनर्स रहे, जिनमें सुभाष सैन हेयर ड्रेसिंग, प्रिया जोशी और कोमल पारिक शामिल है, जिनसे कौशल विकास से ट्रेनिंग करके ये अचीवमेंट राजस्थान में पहली बार पाया है। आज हम डाड़ीवाला सैलून एकेडमी भिलवाड़ा में एक बहुत ही बड़े इवेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पे स्टेट स्किल डेवलपमेंट का कंपटीशन हो रहा है। उसमें 2 सब्जेक्ट हो रहा है, ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर ड्रेसिंग। तो इस कंपटीशन के बाद यहाँ से रीजनल कंपटीशन होगा, रीजनल के बाद नेशनल कंपटीशन होगा, और नेशनल कंपटीशन के अंदर जो सेलेक्ट होंगे उनको बर्ड स्किल्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है। हम राजस्थान सरकार, भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हमारे युवा लोग को इससे एक नई क्रिएटिविटी, नया एक इस जो व्यवसाय है इसको एक नए रूप में लेके जाएंगे। अभी तक इससे पहले कितने लोग इंटरनेशनल? अभी इस लगभग 4 इवेंट हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी जो राजस्थान से प्रदीप पेट उदयपुर से थे, वो नेशनल में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। उसके बाद ब्राज़ील में वो उन्होंने मेडलिन जीता। तो ये हमारे बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि राजस्थान में उदयपुर शहर में हमारे संभाग ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक इतिहास बनाया इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद चार्मी सेन ने इंडिया लेवल पर सिल्वर मेडल जीता, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी युवाओं में, बच्चों में प्रतिभा है। उस प्रतिभा को निखारने का काम स्किल डेवलपमेंट के इस मंच पर किया जा रहा है। इसके लिए आपका नाम? मैं अशोक पालीवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हेयर ब्यूटी एसोसिएशन जी। स्किल इंडिया स्टेट कॉम्पिटिशन में 2 सेक्टर्स में काम हुआ है, पहला ब्यूटी और दूसरा हेयर ड्रेसिंग। जो ब्यूटी का हुआ है उसमें 5 कॉम्पिटिटर्स है, जो हेयर का हुआ है उसमें 2 कॉम्पिटिशन है, 3 आया है इसमें, इसमें भी 5 थे। और क्योंकि राजस्थान सरकार इस कॉम्पिटिशन को अभी ऑर्गेनाइज कर रही है, और बाकी NSDC करती है, और उसी का प्रोजेक्ट है ये। यहाँ से जीतने के बाद रीजनल पे जाएंगे, रीजनल से ये वहाँ से जीतने के बाद में ये फिर वर्ल्ड लेवल पर जाएंगे। ऑर्गेनाइज किया गया है डाड़ीवाला सैलून पर। तो हमारे पास अभी 5 कैंडिडेट हैं, जिनमें 5 कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है। 2 कैंडिडेट भिलवाड़ा से हैं,
एक कैंडिडेट जयपुर से हैं, एक मुरादाबाद से हैं और एक हरियाणा से हैं। तो अलग अलग स्टेट से हमारे पास कैंडिडेट हैं और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है। इनकी ट्रॉली पर स्टेट लेवल पे कंपटीशन है ये HBO, और इस कंपटीशन में ब्यूटी और हेयर का सारा कंपटीशन हो रहा है। इसमें ज्यूरी के तौर पे हमें बुलाया गया है, जिसमें शीतल सोनी क्रिस्टल ब्यूटी पार्लर, अमित डाड़ीवाला से आलिया मैकोर और बीना जी है, और मैं विजयलक्ष्मी सेन हूँ राजेश जी डाड़ीवाला के यहाँ से। थैंक यू सो मच। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस। रेस्टोरेंट इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट डिनर, पंजाबी फूड। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निःशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह के 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना के तहत भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में वन विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क पौधा वितरण अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर स्काउट बाबूलाल जाजू व जिला वन अधिकारी DP जागावत के निर्देशन में एवं भरक पंचायत सरपंच देवीलाल शर्मा की मौजूदगी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरक की गाइडर मंजू छिपा द्वारा तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ औषधीय पौधों की जानकारी देते हुए निःशुल्क कपड़े के थैले में पौधे वितरण किए गए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश भी दिया गया। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के द्वारा पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत शनि महाराज मंदिर नोगावा चौरायापुर पर 21 पेड़ व 21 ट्री गार्ड लगवाए। संस्थान के महासचिव राम अवतार पांड्या ने बताया कि शाम 4 बजे से संस्थान अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता के नेतृत्व में मंदिर परिसर में लोगों के साथ वृक्षारोपण किया गया। पेड़ व ट्री गार्ड देखभाल की जिम्मेदारी मंदिर के परिवार व भक्तजनों ने। मोहता ने बताया कि मंडल के द्वारा अगला कार्यक्रम शहर में तुलसी माता के पौधे व गमले वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम में मजदूर महासंघ के महासचिव बंसीलाल माली, भंवरलाल सारण, मंदिर के पुजारी धर्मदास महाराज, दिलीप सोनी, संजय तोषनीवाल, नारायण तेली, पार्षद पूर्ण माली, विक्रम सोनी, भंवरलाल मंडा, सुखदेव पारिक, विक्रम सिंह राठौर, सुभाष शर्मा, लक्ष्मण शेखावत, अनिल तिवारी, मुकेश वर्मा, सत्यनारायण सैनी, बनवारी सैनी, श्रवण शर्मा, राम अवतार शर्मा, कमल चोटिया, प्रकाश शर्मा, होना जाट, डालू खारोल, प्रहलाद प्रजापत, बद्री वैष्णव, नारायण राजोरा आदि उपस्थित थे।
विप्र फाउंडेशन नगर शाखा के सहयोग से राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 दिवसीय पंचकर्म चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। विप्र फाउंडेशन के लक्ष्मी नारायण व्यास की अध्यक्षता में उपनिदेशक सत्यनारायण शर्मा, प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक अरुण पंडित, ज्योति आशीर्वाद, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व उपसभापति दिनेश शर्मा, लोकेश तिवारी, तुलसीराम शर्मा ने धनवंतरी भगवान एवं परशुराम जी के दीप प्रज्वलित करके बड़ी उत्साह के साथ किया। उपनिदेशक सत्यनारायण शर्मा ने आयुर्वेद चिकित्सा की उपयोगिता बताते हुए पंचकर्म चिकित्सा को स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बताया। शिविर में लिए जाने वाली सुविधाओं और स्वस्थ रहने की शुभकामनाओं के साथ विधि बताई। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने विप्र फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए सभी रोगियों को स्वागत करते हुए पूरी पंचकर्म प्रक्रिया और इससे होने वाले लाभ बताए। इस शिविर में 100 रोगियों ने परामर्श एवं औषधि ली। जोड़ों के दर्द, गठिया, साइटिका एवं कमर दर्द के 49 रोगियों को पंचकर्म हेतु पंजीकृत किया गया। शिविर में भीलवाड़ा एवं आसपास के शहर से कई रोगियों ने चिकित्सा का लाभ लिया। इन रोगियों को 10 दिन तक निरंतर पंचकर्म विधि उपचार दिया जाएगा। विप्र मेडिकल बैंक अध्यक्ष हरीश ओझा ने कहा कि मेडिकल बैंक द्वारा हर वक्त आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध कराएंगे। ज्योति आशीर्वाद, पूर्व उपसभापति दिनेश शर्मा, तुलसीराम शर्मा ने विश्वास दिलाया कि तन मन धन से विप्र फाउंडेशन हमेशा सेवा के तत्पर रहेगा। नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्यास ने राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय के सभी अधिकारी एवं सहयोगियों का बहुत धन्यवाद आभार जताया, जिसने हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सुनहरा अवसर दिया। इस शुभ अवसर पर राजेश शर्मा, अनुराग शर्मा, शुभम सुखवाल, पवन भाटी, अनिता शर्मा, हरिशंकर पारी, कोपी नीरू शर्मा, संजय शर्मा, सुनील शर्मा, प्रकाश पंचोली एवं समस्त विप्र फाउंडेशन कार्यकारिणी उपस्थित रही। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में समस्त जनप्रतिनिधि सदैव तत्पर रहेंगे। उक्त विचार पूर्व प्रधान व सरकारी समिति रायपुर के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोशीथल परिसर में नवनियुक्त प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा के कार्यभार ग्रहण अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि पद से व्यक्त किए। त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में कोशीथल विद्यालय सहाड़ा क्षेत्र में नाम रोशन करेगा। समारोह का शुभारंभ सरस्वती माता के दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायपुर रमेश चंद्र, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत दादीच, पूर्व प्रधानाध्यापक गोपाल लाल त्रिवेदी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोशीधर प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा, प्राध्यापक उमेदपुरा सुरेंद्र कुमार वैष्णव, पूर्व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भिरुलाल बलाई, कोशीथल ग्राम पंचायत सरपंच नवरतन सालवी बतौर अतिथि थे। प्राध्यापक सत्यनारायण गुजर, प्रतिभा तिवारी, ममता जिनकर, जसवंत सिंह चौधरी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राम सहाय माली, वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र वैष्णव, लक्ष्मण सिंह शेखावत, वरिष्ठ कार्यालय सहायक सुरेश कुमार हेड़ा, राकेश चौधरी, कंचन सोनगरा आदि ने सभी अतिथियों का तिलक माल्यार्पण व साफा बंधन से स्वागत अभिनंदन किया। नवनियुक्त प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा का समस्त अतिथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं व नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने तिलक माल्यार्पण, साफा बंधन व पुष्प वर्षा से स्वागत अभिनंदन किया। वरिष्ठ अध्यापक रमेश चंद्र वैष्णव ने कार्यक्रम का संचालन किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। नेहरू युवा केंद्र की टीम के महेंद्र गवारिया, नरेंद्र टांक, नवीन सुथार, लोकेश देशांतरी, उमेश खटीक, राहुल खटीक, विशाल पंकज सहित सभी अतिथि उपस्थित थे। टीम के सभी सदस्यों ने पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल शाहपुरा ने उपखंड अधिकारी शिल्पा सिंह को मंडल अध्यक्ष बालू राम कुमावत के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत ने बताया कि खरीफ फसल 2021 में संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त पंचायतों के सभी ग्रामों में उड़द, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मूंग, तिल्ली आदि की फसलें खराब की भेंट चढ़ गई है। हमारी मांग है कि सही रूप में प्रत्येक खेत में जाकर गिरदावरी की जाए। संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, इसे बहाल कराया जाए। गोदान बोर्ड के द्वारा आवंटित जमीन के खातेदारी हक दिलाया जाए। ज्ञापन देते समय मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत, बजरंग सिंह राणावत, अविनाश चिंगर, मूल सिंह सोडा, विमल झवर, महावीर सैन, दौलतपुरा सरपंच ओम प्रकाश वैष्णव, संजय मंत्री, किसान मोर्चा जिला मंत्री सांवरलाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल गुर्जर, भंवर बलाई, मंडल उपाध्यक्ष फेरूलाल गाड़ी, संदीप पटवारी, श्यामलाल गुर्जर, मंडल महामंत्री भंवरलाल वैष्णव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आसाराम धाकड़ सहित भाजपा कार्यकर्ता, किसान आदि उपस्थित रहे। पर्युषण महापर्व पर ऋषभ नवयुवक मंडल चंद्रशेखर आजाद नगर मंदिर में 1008 दीपक से महाआरती का आयोजन किया गया।
महाआरती की शुरुआत आदिनाथ सेवा समिति के संरक्षक लादूलाल चांजरी एवं कन्हैयालाल बाकलीवाल ने दीप प्रज्वलन करके किया। ऋषभ नवयुवक मंडल के सदस्य अमित जैन ने बताया कि सभी व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समस्त दिगंबर जैन समाज ने उत्तम आर्जव धर्म का पर्व मनाया। ऋषभ नवयुवक मंडल द्वारा पर्युषण महापर्व पर प्रोग्राम की श्रृंखला में 15 तारीख बुधवार को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा व 17 तारीख को डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्राम में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है व समाज के सभी व्यक्ति बढ़ चढ़कर इन प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। आदिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष फिरुलाल ने महाआरती के लिए आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की शुभकामनाएं दी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल बागोर खंड के संयुक्त तत्वावधान में संगठन की एक बैठक बागोर धर्म तालाब की पाल के पास स्थित मां ब्रह्माणी के मंदिर परिसर में रविवार को रखी गई, जिसमें बागोर खंड की कार्यकारिणी का गठन किया जाकर पदस्थ पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई, साथ ही स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस बैठक में गोमाता की रक्षा के लिए लव जिहाद और जमीन जिहाद की रोकथाम को लेकर नई कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें कई सदस्यों के नामों की घोषणा बैठक के मुख्य अतिथि जिला सहमंत्री श्यामगिरी गोस्वामी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद मंडल सत्संग प्रमुख भवानी शंकर सेन व मंडल प्रखंड संयोजक राधेश्याम जांगिड़ के समक्ष की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बालूलाल माली, उपाध्यक्ष चेतन पुजारी, मंत्री मुकेश कुमार माली, सहमंत्री वीरू बिड़ावत, व्यवस्था प्रमुख विकास कामड़, बजरंग दल संयोजक भीमराज वैष्णव, सह संयोजक रघु लुहार आदि को अपने अपने पदों पर मनोनीत कर उन्हें शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहपुरा पंचायत समिति की बिलिया पंचायत के देवरी गांव में पिछले लंबे समय से बिलानाम भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अब गांव में घुटिए संघर्ष की स्थितियां बनने लगी है। पंचायत के उपसरपंच प्रहलाद भील की अगुवाई में देवरी से शाहपुरा पहुंचे ग्रामीणों ने सोमवार को तहसीलदार शाहपुरा नारायण लाल जिंगर के सम्मुख उपस्थित होकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अब तक इस संबंध में पूर्व में दिए गए 4 ज्ञापनों का हवाला देकर कहा कि गांव के प्रभावशाली लोगों के बिलानाम व चरागाह की भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है। कई स्थानों पर कुएं खुदवाकर पिलाई भी अवैध तरीके से की जा रही है। इस कारण गांव के पशुओं के चराने के लिए कोई जमीन ही शेष नहीं बची। उपसरपंच प्रहलाद भील ने बताया कि पूर्व में उनके द्वारा एडीओ, तहसीलदार व विकास अधिकारी तक को ज्ञापन दिए गए। अब की बार कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन कर सीधी कार्रवाई पर आमादा हैं। ग्रामीण सुखदेव भील ने कहा कि सरकार कहती है कि पशुओं के लिए सभी सहायता की जाएगी, पर देवरी में तो बिलानाम व चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की जरूरत भी प्रशासन नहीं कर पा रहा। ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए कहां पर ले जाएं, उनके भूखे मरने की नौबत के चलते अब संघर्ष के हालात बन रहे हैं। कभी भी गांव के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण कर डोल लगा देने के कारण ग्रामीणों का अपने खेतों में जाने तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। गांव में भील समाज के 125 व बलाई समाज के 70 परिवार निवास कर रहे हैं। सभी परिवारों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। देवरी गांव के ग्रामीणों के साथ भाजपा अजा मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश चिनकर, बालू भील, अमर भील, तेजू भील, आशीष भारद्वाज, एडवोकेट जयलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। भाजपा मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश चिनकर ने तहसीलदार को कहा कि बिलानाम व चरागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई एक पखवाड़े में प्रारंभ नहीं की गई तो आंदोलन किया जा सकता है। रायला क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान परिवहन विभाग की बस चालकों की मनमर्जी के कारण या तो बस ब्रिज से ऊपर निकाल लेते या दूसरी ओर नीचे आने वाली बसों में अभ्यर्थियों को बैठने नहीं देते। श्यामलाल कुमावत ने बताया कि 14 सितंबर को जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI की परीक्षा है, जिसका सेंटर जयपुर है और 2 बजे से 5 बजे तक हमें बस वाले बिठाना नहीं चाहते, जिसके बाद फोन पर सूचना ली तो 5:20 बस में जबरदस्ती बैठे थे। जाट ने बताया कि उनके परीक्षा सेंटर भरतपुर आया, जिसको 2 बजे से 5 बजे बस नहीं मिली, जिसके बाद पुखराज को भिलवाड़ा जाना पड़ा और भिलवाड़ा से ट्रेन में परीक्षा देने गया। इस दौरान राहुल जाट, अभिषेक चौधरी, सोनू कुमावत, किशन कुमावत, मुकेश जाट, हरीश व्यास सहित कई परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जाने वाले एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री जाने की सुविधा है, पर बस संचालकों की मनमर्जी से परीक्षा देने अभ्यर्थियों व अन्य यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है।
अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।